बढ़ता जा रहा था, आज मोदी सरकार ने देश में आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी है। पहले पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी, मोदी ने जब से घर में घुसकर मारा तब से पाकिस्तान भी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता है। पाकिस्तान को पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। आज देश भी समझ रहा है, जब तक कांग्रेस है समस्याएं समस्याएं समस्याएं, यही उसका सिलसिला है। जहां कांग्रेस है वहां समस्याएं हैं, और जहां बीजेपी है वहां समाधान है। और इसलिए पूरा देश एक स्वर से कह रहा है, देश ने नारा बुलंद किया है, 4 जून 4 जून। मैं सबसे पहले इस धाम पर और इस पवित्र स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूं, नंद बाबा के स्थान का। ये स्थान जहां हमारे लिए और आपके लिए हमेशा हमेशा आशीर्वाद देता रहा है, इस बार के चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि इस स्थान से जो आशीर्वाद मिल ही रहा है, वहीं हमारी चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोग इस बार आशीर्वाद देकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को न केवल जिताएंगे बल्कि ऐतिहासिक वोटों से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि जब से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहां चुनाव मैदान में आ गए हैं, तब से भाजपा ने अपनी पोटली अमेठी से बांध ली है और ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। जहां एक तरफ अमेठी में अभिनय है, दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो अभिनय के मुकाबले में एक सीधे सादे विनय के रूप में आपके बीच में प्रत्याशी बने हैं, उनके बीच में चुनाव होने जा रहा है। प्रेस के मित्रों, आपका भी स्वागत, मगर आप हमारे मित्र नहीं हो। कहना पड़ता है, मगर आप ना छोटे व्यापारियों के मित्र हो, ना युवाओं के मित्र हो, ना किसानों के हो, ना मजदूरों के हो, आप अदानी जी के मोदी जी के मित्र हो। और आप 24 घंटा कभी अंबानी की शादी दिखाओगे? आपने कभी नोटिस किया चांदनी चौक के भाइयों और बहनों कि ये कभी भी छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की, कारीगरों की बात नहीं करते हैं, मगर 24 घंटा आपको या बॉलीवुड स्टार्स दिखाएंगे, या अंबानी की शादी दिखाएंगे, या फिर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको दिखेगा। तो ये कहना पड़ता है, मगर ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये 2-3 अरबपतियों के मित्र हैं। खैर, इनकी गलती नहीं है, ये जो स्ट्रिंगर्स हैं, कैमरामैन हैं,
ये इलेक्शन में वोट इंडिया अलायंस को देंगे, देख लेना। और आप याद रखिए, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी याद रखिए कि दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का बटन दबाना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का बटन दबाना है। और अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। तो एक प्रकार से हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में मिले हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य, इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू जी का, और हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का। भाइयों और बहनों देखिए, अगर ये चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, उनके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने खुलकर टीवी पे कहा है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो इस संविधान को हम फाड़ के फेंक देंगे। तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि यही आपका भविष्य है, यही आपके यही आपका सपना है और यही आपके दिल की आवाज है। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए काम किया। चांदनी चौक में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? नोटबंदी से क्या किया आपके लिए, मुझे बता दो। एक बात बता दो, एक काम जो नरेंद्र मोदी जी ने